So stopping potential is defined like this. The minimum retarding मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो रिटार्ड करेगा. मिनिमम रिटार्डिंग इन ब्रैकेट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट. ओके, क्योंकि इमिटर तो पॉजिटिव रहेगा अभी एंड कलेक्टर नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल किसका रहेगा, कलेक्टर प्लेट का. ये हमेशा इधर कलेक्टर प्लेट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. द मिनिमम रिटार्डिंग इन ब्रैकेट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम कंप्लीटली जीरो is called as stopping potential. ठीक है, म्हणजे कलेक्टरला म्हणजे फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टॉप करण्यासाठी कलेक्टरला जे नेगेटिव्ह पोटेन्शियल द्यावं लागेल त्याला काय म्हणणार आपण, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. हे बघा, डायग्राम बघा, लक्षात घ्या. सपोज ही इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब आहे, ठीक आहे. ऑन लेफ्ट हँड साइड देर इज अ इमिटर, यहां पे क्या है, इमिटर है, ठीक है. यहां पे क्या है, कलेक्टर. सो इमिटर पे रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स कलेक्टर. अभी कलेक्टर क्या रहता है, इनिशियली इमिटर इज नेगेटिव एंड कलेक्टर पॉजिटिव रहता है. अभी रिवर्सिंग की से क्या करेंगे, कलेक्टर को नेगेटिव करेंगे और इमिटर को पॉजिटिव करेंगे. तो ये नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव में रिपल्शन है, तो ये कलेक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करेगा, यहां तक आने नहीं देगा, कलेक्टर तक आने नहीं देगा. और अगर इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर तक नहीं पहुंचे तो क्या हो जाएगा, सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा. सो देयरफॉर डेफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, मिनिमम रिटार्डिंग या फिर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम कंप्लीटली जीरो. ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली जीरो करने के लिए या फिर इन मूविंग इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए, ओके, कलेक्टर को जो हमें नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे. ओके, पोलैरिटी रिवर्स कैसे करेंगे, पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए इधर कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर या फिर रिवर्सिंग की है. यहां पे देखिए डायग्राम, देखिए. सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है. देखिए इनिशियल कनेक्शन कैसा रहेगा, इनिशियल कनेक्शन विल बी लाइक दिस. पहले ये यहां पे ज्वाइन होगा और ये यहां पे ज्वाइन होगा, तो क्या होगा, देखिए इनिशियल कनेक्शन कैसा रहेगा. देखिए यहां पे और यहां पे ज्वाइन पहले होगा. ये दो कीज हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इनिशियली. ये दो कीज ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इमिटर कहां पे जाएगा, इमिटर पहले ऊपर का कीज ज्वाइन होगा, पहले इधर, ठीक है. मतलब ये कम्यूटेटर मतलब एक्चुअली फोर वेज कीज रहता है और हमें नंबर ऑफ कीज ओपन या क्लोज करके हम इमिटर और कलेक्टर का पोलैरिटी एडजस्ट कर सकते हैं. इमिटर कहां पे जाना चाहिए, इमिटर शुड इनिशियली टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और कलेक्टर शुड बी टू द पॉजिटिव टर्मिनल. सो पहले तो कनेक्शन इधर रहेगा, पहले यहां पे, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, इमिटर विल गो लाइक दिस,
from this direct connection to negative terminal. So emitter is initially negative and this collector will be initially यहां से ये पॉजिटिव हो जाएगा. इस तरह से इनिशियल कनेक्शन रहेगा. और क्या करूंगा अभी, ये कीज निकाल के, ओके ये कीज निकाल के अभी यहां पे कीज क्लोज करूंगा. यहां ये दो कीज क्लोज करने के बाद क्या हो जाएगा, इमीटर यहां से ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल को आ जाएगा, ठीक है. और कलेक्टर की किधर आ जाएगा, ये इस तरह से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आ जाएगा, ठीक है. सो इधर जो कम्यूटेटर है या फिर रिवर्सिंग की है, ये कम्यूटेटर या फिर रिवर्सिंग की का नंबर ऑफ की कीज ओपन या फिर क्लोज करके क्या करेंगे हम, इधर इमीटर और कलेक्टर का पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस अगेन डेफिनेशन देखिए, द मिनिमम रिटार्डिंग या फिर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट. कलेक्टर प्लेट का मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम कम्प्लीटली जीरो और फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स कम्प्लीटली, इट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली स्टॉप करेंगे, ठीक है. So that potential is called as cut off potential or the stopping potential. Okay.